तुर्की के बाद मोरक्को, क्यों बढ़ा भूकंप का खतरा, जाने कैसे लॉकडाउन में हुई भविष्यवाणी बचा सकती थी दुनिया। भूकंप से मोरक्को ऐसा तबाह हुआ कि तस्वीरें देख कलेजा मुंह को आ गया। 6.8 तीव्रता के इस भूकंप से मोरक्को को भारी नुकसान हुआ। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। घायलों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मोरक्को के आपदा मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान शहरों और कस्बों के बाहर हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोरक्को में हर दिन एक भूकंप आता है, और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि मोरक्को के वैज्ञानिकों ने कोरोना काल में लॉकडाउन के समय ही भूकंप की भविष्यवाणी का अध्ययन कर लिया था। 23 जुलाई को दुनिया भर के 70 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने अकादमिक जनरल साइंस में एक आर्टिकल प्रकाशित किया। इसमें साफ कहा गया था कि वैश्विक लॉकडाउन के समय दुनिया थोड़ी शांत हो गई थी। भूकंप वैज्ञानिकों और पृथ्वी की गतिविधियों का अध्ययन करने वाले दूसरे वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत खास समय था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के समय घर से बाहर या दफ्तरों और फैक्ट्रियों में होने वाली सभी गतिविधियां बंद कर दी गई थी। ऐसे में वैज्ञानिक छोटे छोटे झटकों और कंपकंपी को सुन सकते थे, जिसके बाद पूरा डेटा तैयार किया गया जो भविष्य में आने वाले भूकंपों का पता लगाने में काम आए। साथ ही ये नया तरीका हजारों लोगों की जान भी बचा सकता है। यानी लॉकडाउन भूकंप वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का एक ऐसा समय था जो दोबारा नहीं आ सकता। DW की खबर के मुताबिक भूकंप की भविष्यवाणी मुमकिन हो सकती है। वैज्ञानिकों ने 7 से ज्यादा तीव्रता वाले 90 भूकंपों पर रिसर्च की है, जिसमें 3026 सैटेलाइटों के माध्यम से वैज्ञानिकों ने उन संकेतों का पता लगाया था जो भूकंप से पहले उभरते हैं। ये भूकंप के पूर्वानुमान में अहम साबित हो सकते हैं। इनके माध्यम से फिलहाल पूरे विश्व में भूकंप के पूर्वानुमान पर रिसर्च जारी है। धरती के अंदर कुल 7 प्लेट्स हैं जो हमेशा कार्य करती हैं। जहां ये प्लेट्स टकराती हैं उन्हें फॉल्ट जोन कहा जाता है। जब ये प्लेट्स टकराती हैं तो ऊर्जा बाहर निकलने की कोशिश करती है, इससे जो हलचल होती है वही भूकंप बन जाती है। भूकंप का केंद्र सतह से जितना नजदीक होता है तबाही उतनी ही बड़ी होती है। एटलस के पहाड़ उत्तर पश्चिम में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया तक फैले हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में यूरेशिया और अफ्रीका की टेक्टोनिक प्लेट की सीमा को भी छूते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से पैदा हुई ऊर्जा ही भूकंप की वजह बनती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अब एटलस के पहाड़ लगातार बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जमीन के भीतर कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है, जिसकी तस्वीर बाहर भी दिखाई दे रही है। पृथ्वी की ऊपरी सतह में दरारें भी आई हैं। इससे साफ संकेत है कि धरती के भीतर जरूर कुछ हुआ है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी हैरानी जताई कि गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, पृथ्वी के अंदर हो रही हैं, इसकी तुलना में भूकंप कम आए हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी हैरानी जताई है कि ये गतिविधियां लगातार पृथ्वी के अंदर हो रही हैं, इसकी तुलना में भूकंप कम आए हैं। लॉकडाउन भूकंप वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का ऐसा समय था जो दोबारा नहीं आ सकता। क्या भूकंप का पूर्वानुमान 100% सच हो सकता है? भूकंप के पूर्वानुमान से क्या फायदा होगा? For more news and updates, follow Air News.